Good morning, dear friends, and greetings in Jesus' name, and God really bless you today. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. And I bless you all in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. और मैं प्रभु पिता परमेश्वर पिता पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आप सबको आशीषित करता हूं. Do you love me, Peter, more than thee? और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पत्रस से ये पूछता है कि क्या तू मुझसे प्रेम ज्यादा प्रेम करता है इन सब से. The Gospel according to St. John chapter 21 verses 15 to 19. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 15वें वचन से लेकर 19वें वचन तक. In all the verses Jesus repeated the same question 3 times to Peter. और इन सारे वचनों में पत्रस ने एक ही उत्तर को बार-बार दोहराया. So this meditation is a continuation from our meditation on Monday. और इसलिए हमारा ये मनन जो है उस भाग से हम आगे बढ़ रहे हैं जो मंगलवार को आपको दिया गया था. And we closed the meditation on Monday with an observation. और हमने अपने मनन को जो कि हमने मंगलवार को आपके समक्ष रखा था इस बात को कहकर समाप्त किया. There is a lesson. एक शिक्षा वहाँ पर थी. How our choices and words can influence people around us. कि कैसे हमारे शब्द हमारी शब्दावली और हमारे चुनाव हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन पर प्रभाव डालते हैं. And we closed with an exhortation to parents how we influence our children. और हमने ये कहकर वहाँ पर समाप्त किया कि कैसे माता पिता अपने बच्चों के ऊपर एक छाप को छोड़ सकते हैं. Make the right positive godly choices. और आप सकारात्मक और भक्तिमय चुनावों को अपने जीवनों में करें. And right decisions. और सही चुनावों को करें. While bringing up our children. जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं. Especially in view of Psalms 127 verse 3. और खास रीति से भजन 27 और उसका 23वां वचन. This passage says. और 127 भजन माफ करेगा 3 वचन. Sons are a heritage from the Lord. कि बच्चे तो परमेश्वर की ओर से एक दान है. And children are a reward from him. और बच्चे परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है. And if that is true, और अगर ये सत्य है, then we as parents have a great responsibility. तब माता पिता होने के नाते हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं. We are stewards. हम भंडारी हैं. To act on behalf of God, to instill in our children the fear of God, holiness, and godliness. कि हम अपने बच्चों में परमेश्वर की भक्ति और उसकी पवित्रता और उसके प्रति भय को बनाए रखें. And also our children may possess a correct and right image of God. कि हमारे बच्चे परमेश्वर के एक सही दृश्य और चरित्र को अपने जीवनों में लेकर के चले. So there is one more point to mention. और इसलिए एक और बात है जिसे मैं रखूंगा आपके सामने. Love brought two things to Peter. और टू पीटर लव ब्रॉट टू थिंग्स टू पीटर. और प्रेम पत्रस के पास दो बातों को लेकर के आया. द फर्स्ट वन इज पहली बात इट ब्रॉट हिम अ रिस्पांसिबिलिटी. ये एक जिम्मेदारी को लेकर के आया. जीसस सेड इफ यू लव मी फीड माय शीप. और यीशु ने उससे कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा. एंड इफ यू लव मी Take care of my lamb. और अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे मेमनों की चिंता कर. As servants of God, pastors especially. और परमेश्वर के दास होते हुए और खास रीति से पासवान होते हुए. In your congregation, there are lambs and also sheep. आपके कलीसियाओं में भेड़े भी हैं और मेमने भी हैं. Lambs are tender. याद रखिए मेमने नम्र हैं. They are small. वो छोटे हैं. And they need tender care. और उन्हें बड़ी नम्रता की संग संभालना है. Sometimes we need to carry them on our shoulders. और कई बार हमें उन्हें अपने कंधों पर उठा करके चलना है. And so take care of lamb. और इसलिए इन मेमनों की चिंता करें. इनका the younger one. जो जवान है. Wife. And the sheep are grown up. और वो जो भेड़े हैं वो तो बड़े ही बड़ी हैं. But they continue to be fed. That they may be strong to produce strong lambs. लेकिन हम निरंतर उन्हें खिलाएं और चराएं
ताकि वो निरंतर मजबूत होती चली जाए, ताकि वो मजबूत मेमनों को जन्म दें। And so Jesus is saying, तो इसलिए यीशु ये कहता है, Give your life to loving my people, कि अपने जीवन को दे दे कि तू मेरे लोगों से प्रेम करे, And caring for them, और मेरे लोगों की चिंता करे। Love is the greatest privilege, और याद रखिए वो प्रेम ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। But it also brings the greatest responsibility. लेकिन याद रखिए साथ ही साथ वो एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के आता है। Whom do you feed? कि आप किसे खिलाते हैं? And whom do you take care? और आप किसकी चिंता करते हैं? Someone whom you love. किसी ऐसी जिससे आप प्रेम रखते हैं। So as God's sheep and lambs, we are supposed to love them too. और इसलिए परमेश्वर के मेमने होते हुए, भेड़े होते हुए, हमें उनसे प्रेम रखना है। Jesus said to Peter, और यीशु ने पतरस से कहा, If you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है, feed my sheep and take care of my मेरी भेड़ों को चरा और मेरे मेमनों की चिंता कर। Always, dear servants of God, pastors who are listening, believers are not our property. याद रखिए खास रीति से पासवान और वो सारे अगवे जो आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं, विश्वासी हमारी संपत्ति नहीं है। दे आर गॉड्स प्रॉपर्टी। याद रखिए वो तो परमेश्वर की संपत्ति है। गॉड्स शीप। वो तो परमेश्वर की भेड़े हैं। गॉड्स लैम्ब। वो तो परमेश्वर के मेमने हैं। एंड दे आर वी आर बिलीवर्स मेंबर्स ऑफ द चर्च आर गॉड्स पीपल। और जो कलीसिया के सदस्य हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। एंड वी शुड नॉट मिसट्रीट देम। और हमें उनके संग बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट misuse them, हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, and use them to serve the Lord, और उनका प्रयोग करना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करें, respect them, उनका आदर करें, and love them, उनसे प्रेम करें, and always, you know, simply because we are pastors, we should not act as someone very big. So that they get scared of us. और हम क्योंकि पासवान हैं, एक औदा है, तो हमें ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए कि लोग हमसे डरें। And the second thing Peter got is, जो दूसरी बात पतरस को मिली, love brought to Peter a cross. और प्रेम पतरस के पास एक क्रूस को ले आया। The same chapter, verse 18. वही 21वां अध्याय 18वां वचन। Verse 18 says, और 18वें वचन में लिखा है, When you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। Jesus was talking about the kind of death he was going और यीशु तो बात कर रहा था कि किस प्रकार की मृत्यु पतरस की होगी। A task. It love brought Peter a task. और प्रेम पतरस के लिए कार्य को लेकर के आया। Love always involves responsibility. और याद रखिए प्रेम हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आता है। Love also always involves sacrifice. और प्रेम हमेशा बलिदानों के संग जुड़ा रहता है। We really do not love Jesus Christ unless we are prepared to take up His task and take up His cross. हम तब not His cross, take up the cross. और हम तब तक प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम उसकी ओर से दिए गए कार्यों और उस क्रूस को उठा करके ना चले। That's what Jesus taught us. और यही यीशु ने हमें सिखाया। How to be a worthy follower of Jesus Christ. कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के एक योग्य अनुयायी ठहर सकते हैं। A worthy servant of the living God. और परमेश्वर के एक योग्य सेवक। How are we going to be worthy? In order to inherit the kingdom of God. और कैसे हम योग्य ठहरेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य को के को को पाएं? There is a task. वहाँ पर एक कार्य है। There is also a cross. और एक क्रूस भी मौजूद है। We cannot avoid the cross. Without the cross, there is no crown. और हम क्रूस को कभी भी अलग नहीं कर सकते क्योंकि बिना क्रूस के
कोई ताज है ही नहीं. That's what Jesus taught us. और इसीलिए यीशु ने भी हमें यही सिखाया. If you want to follow me, अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है, deny everyone who is closest and the dearest in your heart. अपने हृदयों में उन सब को त्याग दे जो तेरे बहुत निकट और तेरे बहुत प्रेमी हैं. And then deny yourself. और खुद को भी त्याग दे. And then take up your cross and follow me daily. और उसके पश्चात अपना क्रूस उठा और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले. Do you want to be a worthy servant of God? क्या आप परमेश्वर के योग्य सेवक ठहरना चाहते हैं? Worthy to inherit the kingdom of God and a crown and a throne? और योग्य कि आप परमेश्वर के राज्य और उसके सिंहासन पे बैठे? Then be prepared to be a steward to fulfill a task and then be prepared for the cross that must become a part of your life. तो इसलिए आप तैयार रहे कि आप उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जो आपके जीवन का एक भाग बन जाए. May the Lord grant you His grace. होने दे परमेश्वर आप सबको अपना अनुग्रह दे. That we will remain true to Him and faithful and a worthy servant of God. ताकि हम उसके प्रति सत्य और विश्वास योग्य ठहरें और एक योग्य सेवक के समान रहें. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit of God. हमारी पवित्र आत्मा. We need you. We need your power. We need your anointing. हमें तेरे तू चाहिए. हमें तेरे अभिषेक और सामर्थ की आवश्यकता है. Without the Holy Spirit, we can never succeed. क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे बिना हम कभी भी सफल नहीं हो सकते. But it is Jesus who makes Jesus precious enough for us to deny everything else for His sake. लेकिन ये तो तेरा पवित्र आत्मा है जो यीशु को हमारे लिए बहुमूल्य बनाता है ताकि हम हर एक दूसरी चीज को त्याग दें. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Let your name be glorified. होने दे तेरे नाम को सारी महिमा मिले. Amen. Amen. God bless you, my friend. मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Consider these contents of this meditation. और इस मनन के जो भी भाग था उनको आप सोचें. And may Lord grant you His grace so that you may be a worthy servant. और होने दे परमेश्वर आप सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे ताकि आप एक योग्य सेवक ठहरने पाए. आमेन. आमेन.